बेअदबी मामले में अकाली दल को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब मलकीत सिंह भीरमी ने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। या हम आपको बता दें कि मलकीत सिंह भीरमी कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में शामिल हो गए थे और आज उन्होंने अकाली दल से भी इस्तीफा दे दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भीरमी अकाली दल में शामिल हो गए थे। इस बारे में पूर्व मंत्री मलकीत सिंह भीरमी ने कहा कि उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कारण यही सीगा कि जड़ी जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई है उस उन्होंने इन्हों दोषी पाया गया। एक तो जी गुरु महाराज साहब की बेदबी हुई उस नंबर दो जो गोलीकांड होया उस मैं देखा पिछे जे समेत सिंह सैनी एक बयान आया उन्हें दिता है कि मेरी सीएम साहब न गल हुई सी उन्हें कोई गल क्लीयर नहीं की गल हुई सी जी उन्होंने गल हुई है तो मतलब उतो कोई डायरेक्शन आई होगी कोई गल की होनी है नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि डीजीपी एडा वा स्टैंड अपने आप लै नहीं सकता कि लोग बड़े पीसफुली बैठे रब का नाम जप रहे सवेरे सिर बैठे तो उन्होंने गोली चलाई जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोषियों उत्ते हूँ जो आ ही गया ना भी इन्होंने उत्ते गल आती है तो फिर मेरा एक मोरल अधिकार बनता सी कि मैं नहीं रहा इस पार्टी मेरा मन नहीं खड़िया मैनू जी मेरी अंदर आत्मा होंगी मेरी कॉन्शियस मैंने अलाउ नहीं किया मैं घर में डिस्कस किया अपनी फैमिली नाल भी वो कहने लगे भी छड्ड दिओ इस वास्ते मैं अपना दुखी होकर मैं रिजाइन किया है कि जेडे लोग हुण तक पंजाब के अंदर अपने आप नूं सिखा दी इक धर्म पार्टी लाउंदे आ उन्हां दे हत्थां दे विच अगर ये काम हो रहा तो फिर तो बड़ी माड़ी गल है तो इस वास्ते मैं ये अपना रेजिग्नेशन भेजा कहना चाहुंदा कि दुध दा दुध ते पाणी दा पाणी होना चाहिए। जिस तरह हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि असी एस आई टी बनाई है वो तीन महीने देगी अपनी रिपोर्ट मैं वो कहना रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट आए कोई बेगुनाह जिहड़ा हैगा उन्हूं सज़ा होवे ना जिहड़ा कसूरवार वह बख्शा ना जाए जिहदा वी चुनाव आ जाता सही अगर वह पाउंदी अपनी चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है चाहे कोई पोलीटिकल आदमी है कोई भी है उन्हें सज़ा सख्त एज पर कानून होनी चाहिए। मेरा जब मन ही नहीं ठहरता इस गल पर कि जिहड़े बंदिया ने सिखी का कांड किया सिखा के हिरदे हुण ठेस पहुंची आ पिंडा पिंडा च जथे बने फिरदे आ सारे लोग बहुत गर्म होए हैं गुस्सा है तो वह चीज़ देखते हुए मेरा भी मन किया कि मैं भी चाहे सिख हाँ सिख होने के नाते मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इस पार्टी के नाल। हाँ उदों भी मेरे मन के गल आई सी ये पर उन्होंने दिनों मैं फिर थोड़ा रुक गया मैं देखो जी इनकुआरी हो पता लगे की होया पर हूँ जो सामने आ रही ने कि सब कुछ एक लिफाफे चलता है ये भी मैं कहना कि एक धर्म निरपक्ष पार्टी होकर चलना चाहिए है जिमें साडे जथेदार साहबान ने अकाल तख्त साहब ने होर उस ग्रंथी हैड ग्रंथ साहब सारे जिन्हें हैं उन्होंने एक निरपक्ष होकर फैसले लेने चाहिए आ ना कि किसी पोलीटिकल हत्थ खेलना चाहिए है ये तो मर्जो जी जी पर जुड़ी गल हो गई मतलब कि जिहड़ा इन्ना पद्धर नीवा कर रहे तुम श्री अकाल तख्त साहब का ही मैं तो कहना सारे जथेदारों को अपना अस्तीफा देना चाहिए है। लुधियाना से अभिषेक के साथ अमनदीप खैरा टाइम्स पंजाब टीवी।